साथियों आ चुके हैं हम गांव चुकनी और ये देख सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं मनासा तहसील से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है चुकनी खेड़ा, और यहीं पर किसी सांप ने अपनी जगह बनाई हुई है। तो सबसे पहले हम परिचय करेंगे कि किनके यहाँ पर जो है ये सांप देखा गया है, तो कौन बताएंगे सर? तो ये भैया, तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवीलाल है, गांव चुकनी खेड़ा है, तहसील मनासा है, जिला नीमच है। अच्छा, तो किसी को बाइट तो नहीं किया, काटा तो नहीं इसने? बिल्कुल नहीं। अच्छा, कितने समय की बात होगी यहाँ पर? इसको कम से कम 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। तो चलिए साथियों फटाफट और वीडियो में नजरें जमाए रखें और देखते रहें एंड तक, और चलते हैं उसे रेस्क्यू करते हैं अगर कौन सा सांप है। तो आइए मेरे साथ। ये साथियों अब चलते हैं अंदर की तरफ और इसे हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो आइए मेरे साथ। और दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये है इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा, भारतीय नाग, और काफी खतरनाक है। इसे हम जो है निकालने का थोड़ा प्रयास करते हैं। देख सकते हैं साथियों काफी आक्रामक रूप दिखाना चाहता है अभी की कंडीशन में। जब ये फन निकालने की स्थिति में आ जाता है तो अपने आप को एक हाथी से भी बड़ा रूप दिखाना चाहता है, और ऐसी परिस्थिति में आपको हमेशा दूर रहना है। और इसके साथ हल्की सी छेड़खानी हमें महंगी पड़ सकती है और यह तुरंत हमें बाइट कर सकता है। देख सकते हैं आप लोग अभी जो है ये फन निकालने की स्थिति में है, और चलिए इसे हम बाहर लेकर आते हैं और लोगों को जो है थोड़ी जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। साथियों देख सकते हैं काफी आक्रामक रूप है अभी की कंडीशन में इसका, और ऐसी परिस्थिति में अगर सांप आपको बाइट करता है तो तुरंत आपको जो जिला चिकित्सालय पहुंचना चाहिए। और देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक है। आप लोग, ये है भारतीय नाग, इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। साथियों जब इसके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी होती है तभी ये आपको बाइट करता है, अन्यथा बाइट नहीं करता है। और शांत रहो। इसके बाइट करने के तुरंत पश्चात आपके 1 घंटे के भीतर बड़ी आसानी से मौत हो जाती है, और आपको जो है जब ये बाइट कर लेता है तो आपको तुरंत जो है जिला अस्पताल पहुंच जाना चाहिए और अपना जो है इलाज करवाना चाहिए। साथियों इसमें हम वेनम की बात करें तो इसमें न्यूरोटॉक्सिन नामक वेनम पाया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। यह साथियों अभी की कंडीशन में मुझे जो है एक विकराल रूप दिखाना चाहता है, हाथी से भी बड़ा दिखाना चाहता है, और ऐसी परिस्थिति में जब ये आपको बाइट करता है तो आपको सीधा पहुंच जाना है जिला चिकित्सालय। और यह सांप जो है मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और पूरे हिंदुस्तान में पाया जाता है साथियों, और काफी क्रोधित है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके साथ थोड़ी छेड़खानी हुई है, और देख सकते हैं इसका गुस्सा जो है काफी खतरनाक है, और ऐसे गुस्से में अगर आपको बाइट करेगा तो निश्चित ही आपके प्राण ले सकता है। तो चलिए दोस्तों अब इसे हम पैक करते हैं और ले चलते हैं इसको इसके पर्यावरण में सुरक्षित। तो डिब्बा दे दीजिए भैया। जी जी सर। ये देख सकते हैं साथियों बहुत ही खतरनाक है, और ऐसी परिस्थिति में अगर दोस्तों एक जानकारी के लिए बात बता दूं कि वीडियो देखकर जीवन में कॉपी न कीजिएगा, नहीं तो आपके प्राण बड़ी आसानी से जा सकते हैं। तो चलिए इसे पैक करते हैं।
ये वीडियो देखकर जीवन में कॉपी ना कीजिएगा, नहीं तो आपके प्राण बड़ी आसानी से जा सकते हैं। और चलिए इसे पैक करते हैं और ले चलते हैं इसको इसके पर्यावरण में सुरक्षित। आज ये आया है गांव चुकनी खेड़ा में, जो कि मनासा तहसील से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहीं पास में एक गांव है ढाकनी, जहां पर किसी लड़की को जो है किसी सांप ने बाइट किया था और उसकी जो है बड़ी आसानी से मौत हो गई। तो आप हमेशा अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। और यहीं पर आपको सावधानी रखना है, और यहीं पर हमें सावधानी रखना है साथियों। तो इसे आज हमने पैक कर लिया और इसे ले चलते हैं इसको इसके पर्यावरण में सुरक्षित। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह सांपों को बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आइए मेरे साथ दोस्तों, आज हमने जो है एक चुकनी खेड़ा से एक सांप को रेस्क्यू किया है और इसका नाम जो है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारतीय नाग या नागिन। और यह सांप जो है काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी घातक हो सकता है आपके लिए। और एक बार बाइट करता है तो आपके पास एक घंटे का समय होता है। एक घंटे का समय, अगर उसी समय के अंतराल में अगर आपने आपका इलाज नहीं करवाया, आप समय पर हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, तो आपके प्राण जो है बड़ी आसानी से चले जाएंगे और होगा कुछ नहीं, बस आप इस दुनिया में नहीं रहोगे। तो आप नहीं रहोगे तो मेरी वीडियो कौन देखेगा? तो आपको जो है सतर्क रहना है, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और कभी भी जो है मेरी वीडियो देखकर सांप पकड़ने की कोशिश नहीं करना है। तो इसे मैं बाहर निकालता हूँ और दिखाता हूँ आपको, थोड़ी इसके बारे में जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। तो हमें जो है प्रॉपर तरीके से यहीं ध्यान रखना है साथियों, हमारी जरा सी लापरवाही हमें महंगी पड़ सकती है। और ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी आक्रामक रूप में है अभी की कंडीशन में, और शायद ये बहुत ही तेज बाहर निकलना चाहता है। तो मैं थोड़ी हमारी स्टिक का प्रयोग करूँगा साथियों, देख सकते हैं आप लोग काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी भयंकर है। और जब ऐसी परिस्थिति में अगर आपको सांप दिख जाता है तो आपको किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करना है। और चलिए नाग देवता, आप बाहर निकल जाइए साथियों। जब यह सांप इस तरह आपको दिख जाता है तो आपको हमेशा तत्पर रहना है, और काफ़ी क्रोध में है, काफ़ी क्रोधित है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके साथ जो है किसी प्रकार की छेड़खानी हुई है साथियों। जब यह ऐसी फन निकाल कर ऐसी आक्रामक स्थिति में जब आ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में यह अपने आप को एक बड़ा हाथी का स्वरूप दिखाना चाहता है कि मेरे पास न आइए, मैं आपके प्राण जो है बड़ी आसानी से ले लूँगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है और इसके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करना है। देख सकते हैं साथियों, काफ़ी क्रोधित है और काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि जब भी सांप के साथ छेड़खानी होती है तभी आपको बाइट करता है, अन्यथा बाइट नहीं करता है। और आपको मैं एक अंधविश्वास से दूर करवाना चाहता हूँ कि जिस तरफ मैं जाऊँगा उसी तरफ ही आएगा, देख सकते हैं हम लोग। और आपने देखा होगा कि जो बीन की धुन पर सांप नाचता है तो वो डांस नहीं करता, यह सब एक भ्रामक जानकारी है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है और चलता है सिलसिला लोगों का। ये देखिए साथियों, जब इसके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी होती तभी ये बाइट करता है। और इसमें हम वेनम की बात करें तो न्यूरोटॉक्सिन नामक वेनम पाया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है और सीधा वो आपके तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है, और उस वजह से आपको जो है लकवा हो जाता है और आप जो है बिल्कुल ही जीने के काबिल नहीं रहते हो। तो आपको जो है हमेशा बचना है, और जब भी यह सांप दिखाई दे तो तुरंत मुझे इन्फॉर्मेशन दे, मैं आऊँगा उसको रेस्क्यू करने के लिए और लेकर चला जाऊँगा और प्रकृति में रिलीज़ कर दूँगा। तो चलिए इसे अब छोड़ते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आइए मेरे साथ। चलिए दोस्तों, फाइनली इसे रिलीज कर दिया है और यह एकदम सुरक्षित रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और अपने यार दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह सांपों को बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।